हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो, बढ़िया होने चाहिए आप। सभी बढ़िया रहे हमें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में उनकी मूर्ति की स्थापना हो रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ। हम कल यहाँ रुके हैं। ये हमारा कमरा है जिसमें हम रुके हैं। कल हम इस कमरे में रुके हैं क्योंकि हर्ष यहाँ पड़ता है, तो हर्ष की वजह से हमें यहाँ पे, देखो, ये आलसी लोग पड़े हैं अभी कंबल में ढके हुए। ये हमारे कपड़े हैं, ये बिस्तरा है, ये हमें हर्ष की वजह से मिला। जो गार्जियन होते हैं उन्हें यहाँ पे यदि आते हैं बच्चे से मिलने के लिए तो उन्हें ये रूम दे देते हैं। इसमें ये टॉयलेट है, किचन है, इसमें हमें तो किचन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये टॉयलेट इसमें है। और रात हमारा खाना भी इन्होंने कहीं से ऑर्डर करके बाहर से मंगा लिया, खाना भी यहीं खाया, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। बच्चों ने सबने ही मंगा लिया, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। हर्ष के दोस्त हैं जय गोला, विजय गोला, प्रतीक, अरे एक भैया का क्या नाम है, अतुल, अतुल और जितेंद्र उर्फ जीतू। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी चलेंगे अगर वे उठ गए होंगे तो। रात हम ब्लॉग बना नहीं पाए, बैटरी इसकी ज़्यादा डाउन होगी तो रात तो बना नहीं पाए। बाहर का दिखाता हूँ, यहाँ पर इस तरफ से बिल्कुल खुला है सारा का सारा, और लेफ्ट साइड में इनकी मैस है इनका। अभी उस तरफ से दिखाऊंगा, यहाँ कोर्ट बना हुआ है बैडमिंटन का, सामने जो है। आपको सारे बच्चों से मिलवाऊंगा अभी जाके, फिर उसके बाद निकलेंगे हम। खाना पीना इन वानी और साधना तो कर ही आए हैं ये अपना, कपिल और मैं कहीं रास्ते में करेंगे। पहले चलेंगे ज्योति सर, चलो चलते समय वहीं बता देंगे कि वो पता नहीं अभी कौन सी जगह पहले जा रहे हैं, कौन सी जगह बाद में जा रहे हैं। चलो चलते हैं। ये देखो जी, व्यू हॉस्टल का ब्रांड है अपने आप में, एक एनआईटी कुरुक्षेत्र। ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी बिल्डिंग है यहाँ। चलो जी चलते हैं। यादव जी प्लीज, रानी यादव, हमारी गाड़ी कितनी दूर खड़ी है आप देखें। अरे हीरो आ रहे हैं। खुश रहो, खुश रहो। ये हमारे बालक आ रहे हैं, इन्होंने हमें बिल्कुल ऐसा महसूस करवाया जैसे हम घर पे ही हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे, एक ही शरीफ इंसान आते हुए। हमारे नटवर लाल आ गए हैं। ये देखें आप स्माइल लड़के की। ये ट्रेंड वाले जो है, सर प्लीज रुके सर, आपको लेना है, आपके लिए मुझे है इंस्टाग्राम, आप मुझे भेज दियो, मैं उसमें लिख दूंगा। आप बताइए दो, रुको रुको एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ। साहब आ गए हमारे भैया, आप इंस्टाग्राम आईडी नोट कर लें, इन हाँ ये इन साहब की है ये। और बताने वाले नहीं, नहीं बताओ बताओ, अतुल ATUL अतुल डॉट मीम रोथ MEMROTH, ये ये वाले। हाँ इसे आप फॉलो कर लें एक बार। ये इनके ये सिंगर हैं बहुत बड़े, ये सिंगर। अच्छा तो सिंगिंग करके देखो, हाँ छोटा सा, थोड़ा सा क्या, राम की भजन, राम जी का भजन गा दो, जन्म जन्म की खोज बताए। अरे दो ही लाइन यार, दो लाइन। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम को आए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बेहतरीन, क्या बात है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसे एक बार फॉलो करें, बहुत ही बेहतरीन गायक है। जिसमें लड़की भी आप गाते हो, लड़का भी आप गाते हो, वो वाला तेलुगु में जो गाते हो। हाँ तेलुगु में, आई लड़की की नहीं है, लड़के की, लड़की की है तू। चलो जो भी है गा दो, जो जो सबसे अच्छा तैयार हो ना गाना उसे गा दो। तेलुगु में किसी में भी, हिंदी इंग्लिश तेलुगु में जो भी है। సౌందర్యా సౌందర్యా చిరునవ్వుకి రూపం, సౌందర్యా కలలో నిజమల్లి కలిసావే సౌందర్యా,
सौंदर्या सौंदर्या न पाटक प्राणम सौंदर्या यदलो प्रिय रागम पलिकावे सौंदर्या हो तेलुगु तन वंटे सौंदर्या चिल्पी तन वंटे सौंदर्या नीनला चूस्तू चूस्तू प्रेमलो तुदिगिपोया साथिया साथिया तू मेरी साथिया ऊहके ऊपरे नन चेरगा रावा प्रिया। बहुत बढ़िया भैया, समझ तो कुछ नहीं आई वाले में, साथियां साथियां समझ में आई है, पर लड़के की आवाज, मुझे अगर पता होता ना इतना बढ़िया कलाकार हमारे बीच में है तो हम इसकी साथ में रात को ही सपने वहीं टिकाते और इसे पूरी रात सुनते और आपको भी सुनाते, इसका पूरा ब्लॉग एक तैयार करते अलग से ही, अगली बार करेंगे कोई। ठीक है जी, आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने हमें इतना बढ़िया ट्रीटमेंट दिया, VIP ट्रीटमेंट जिसे बोल लेंगे। चलो दाढ़ी को ऐसी बढ़ा के रखे आप अपनी को, बढ़िया चल रही है, मेरी सफेद है काली होती तो मैं भी ऐसी बढ़ाता। चलो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये इनका हेल्थ सेंटर है जी, गेस्ट हाउस में कौन रुकता होगा और सीधे हाथ में गेस्ट हाउस है जहाँ हमें कल रूम नहीं मिल पाया, क्योंकि हम खड़ा खड़ी प्रोग्राम बनाया, यदि हम पहले प्रोग्राम बनाते तो यहाँ व्यवस्था हो जाती। देखो सफाई देखे आप, वैसे ही नहीं कोई नाम ही होता, कोई संस्था यदि अपना नाम कर दिया पूरे देश में तो उसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। सामने स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखें आप, एक एक सड़क देखें, जरा सा भी कूड़ा नहीं, इतनी सफाई, इतनी बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था, और रात बच्चों ने बताया यहाँ पे कभी कोई झगड़ा नहीं होता, एक रैपट तक कोई किसी का नहीं मारता, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना प्यार है बच्चों में आपस में जो मिलजुल के रहते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं होता, कभी सुनने में किसी का नहीं आता, ना पहले कभी आया ना अब आया। अब हम NIT कॉलेज से निकल गए हैं, अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आए हैं, इसे पार करने के बाद हम पहुंचेंगे ज्योति सर, ज्योति सर के बाद क्या नाम बताया, ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर चलेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। बेटा तरणताल, यह स्विमिंग पूल है तरणताल इनका, बिल्कुल साफ सुथरी व्यवस्था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और NIT कुरुक्षेत्र दोनों में ही, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, यहाँ हमारे वाले लाइन के विद्यार्थी हैं, किस तरीके से बना रखी है। लो जी, इन्होंने हमें अपने यहाँ पर घुमाया है और यही हमें धन्यवाद कह रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे इंसान हैं, सब घुमा फिरा के आराम दे के हमें अपने यहाँ पे सारी व्यवस्था करके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक वृक्ष है यहाँ पे, वैसे तो ये सारे के सारे ही पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, पर आपको वृक्ष दिखाता हूँ जिसके नीचे उन्होंने गीता का ज्ञान दिया कृष्ण जी ने अर्जुन जी को रात का, एक आपको उसमें वीडियो देखने को मिलेगा, उसमें दे रखा है, एक वृक्ष दिखाया है उसमें लेजर शो में, उस वृक्ष को जो दिखाया उसी वही ओरिजिनल वृक्ष है जिसके नीचे उन्होंने गीता का ज्ञान दिया कृष्ण जी ने, उसमें स्पेशली उसे दिखाया, सब इसी की पूजा करते हैं यहाँ पर, यही ज्योति सर का मेन है। यहाँ पर धागा बांधना मना है, आप सब परिक्रमा कर रहे हैं, वृक्ष की सब परिक्रमा करते हैं, यह वृक्ष, हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं पर मेन जो है पेड़ ही है। बाहर के लोग हैं, विदेशी हैं, वे वहाँ पर गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ये है बट वृक्ष जिसके नीचे उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, अंदर जाने की परमिशन नहीं है पर लोग फिर भी अंदर घुस घुस के परिक्रमा कर रहे हैं।
यही है ज्योति शाखा, थामरे इस तरफ से बैक साइड है। ये तो आप देख देते हुए मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरफ सीढ़ी नहीं है। ये तक उपदेश इसी स्थान पे दिया उन्होंने और ये वृक्ष है। सारी जड़ देखें कितनी बड़ी बड़ी जड़ है उन्होंने खुद ही एक मतलब इसकी जो वे हैं ऊपर की जो लट है टहनी जो है टहनियों ने नीचे आके जड़ का रूप ले लिया है। कितने साल पुराने होंगे। भगवान जी की कितनी बड़ी प्रतिमा है। इस पर रात के समय में हमने लेजर शो तो दिखाया पर दिन में आपको कैसी लगती है मैं आपको ये दिखाता हूँ। कितनी भव्य है, कमाल। दर्शन कर लें आप भगवान के हवा की वजह से। मैं आपको इसे चारों तरफ से दिखा रहा हूँ जो मेन वट वृक्ष है। यहाँ छोटे छोटे स्थान बने हुए हैं। जब आप आओगे तो आप यहाँ देखें छोटे छोटे स्थान बने हुए होंगे सभी के ही। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, सूर्यदेव, अर्जुन, भगवान जी का विराट स्वरूप दिखा रखा है प्रतिमाओं के माध्यम से। भीष्म पितामह हैं, अर्जुन, भगवान नटराज जी की, राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है। जब आप आओगे यहाँ ये सब आपको देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक जगह है, आवें जरूर समय निकाल कर। कम से कम दो दिन का समय लेके आना। अब हम दो दिन का लेके आए हैं, हमें फिर भी आज समय कम पड़ रहा है। अब आ गए हैं जी हम ब्रह्म सरोवर में। दुकान है देखो जी, कितनी शांति, शीतलता और हाड़ कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही है, तकड़ी हवा के बीच में पानी है सरोवर में इसमें, तो उसकी वजह से जितनी हवा चल रही है बिल्कुल ठंड पैदा कर रही है। देखो कहाँ तक, जहाँ तक आपको दिखाई देगा चारों तरफ सरोवर है। ये सारे के सारे इनके बने हुए हैं। इसमें गीता उसका महाभारत का सारा वर्णन है, सारे चित्र दे रखे हैं। और ये श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी श्री सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है जी, जो ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बीच में बना हुआ है। चारों तरफ इसके सरोवर है। अंदर फोटो खींचना अलाउ नहीं है, इस वजह से हम अंदर फोटो नहीं खींच पाए। आप आवें तो दर्शन कर लें। भोले बाबा का मंदिर है, अंदर हनुमान जी की प्रतिमा है, देवी माँ की है, गरुड़ भगवान है, सारे के सारे एकदम भीड़ आई है। तो ये शायद कहीं से कॉलेज वॉलेज के बच्चे आए। छोटे छोटे बने हुए हैं। जब यहाँ पे गीता महोत्सव होता है तो इनमें समय सारे हर्षो जब ये गीता महोत्सव में लगाए कर रहे ना ये इनमें कौन कौन से सब स्टेट के आए कैसे हर स्टेट के लोग आते हैं। तो गीता महोत्सव में सारे छोटे छोटे जो ये ब्लॉक बने हुए हैं इनमें समय
हर स्टेट के लोग आते हैं और सारे के सारे यहाँ पर अपना सामान डिस्प्ले करते हैं, बेचते भी हैं और दिखाते भी हैं। देखो भगवान की, कुल 847 पिलर हैं। ये कॉलम है यहाँ, ये जो बॉक्स बने हुए हैं 847 में, 847 के 47 में सभी स्टेट के लोग आके अपनी दुकान लगाते हैं, अपने सामान डिस्प्ले करते हैं। ये सारा ब्रह्म सरोवर है, इस बीच में इस मंदिर की स्थापना ब्रह्मा जी ने करी उस समय यहाँ पे। दूर दूर तक यदि चलते हैं तो इसमें डेढ़ दो घंटे का समय कम से कम लगता है इसमें, पूरे में पूरे चक्कर लगाने में। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, सारे में जगह जगह यहाँ पे भंडारे चल रहे हैं और भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की वजह से हर जगह भंडारे, कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ ये चल रही है। यहाँ भी कोई कार्यक्रम है, मैं ये चलता हूँ, यदि हमें देख पाते हैं तो आपको दिखाएंगे। बीच में यहाँ मंदिर है बहुत सारे, कल्याणी देवी का मंदिर है, आरती का स्थल भी है जहाँ आरती करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ भी। के मंदिर में इस समय कार्यक्रम चल रहा है, भजन चल रही है। वानी मत कूद, वानी मत कूद, वानी प्लीज मत कूद। अच्छा वानी आज नहाने की कोशिश करिए, एक डेढ़ महीने से नहाई नहीं है, आज ही कोशिश करिए नहाने की, पर नहीं फेल होगी, नहीं नहा पाई। ये माँ कात्यायनी देवी मंदिर है, यहाँ पे बच्चे रहते हैं, पढ़ते भी हैं शायद, पूजा करते हैं। मैं पिछली बार आया जब मैंने देखा है। ये आरती स्थल है, आरती स्थल पढ़ने वाले बच्चे हैं, सजा रहे हैं सारे के सारे, शाम की आरती की तैयारी हो रही है। सभी मंदिरों में आज मूर्ति स्थापना की वजह से आज दीप जलाए जाएंगे, लाइट लगाई जाएंगी। अब आपको दिखाते हैं एक भव्य प्रतिमा, देखो जी। अब हम आए इनके स्टेज पे, यहाँ बहुत सारे स्टेज ऐसे बने हुए हैं जो ब्रह्म सरोवर के किनारे किनारे हैं। हर्षो फोन कस के पकड़ लो अपना, नहीं तो सारी ब्लॉगिंग अभी हो जाएगी, आगे जाता ही नहीं बिना बात के, कोई बच्चा टक्कर मार दे फोन अंदर चला जावे, मुझे तैरना भी नहीं आता। कितना सुंदर है, आप यहाँ होगे तो आपका जाने का मन नहीं करने का। एक ही मंदिर बन रहा है सामने, उसमें कई साल से काम चल रहा है, शायद अब पूरा होने वाला हो, अगली बार जब आएंगे तो देखने को मिलेगा शायद तैयार। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, ये चित्र आपने बहुत जगह देखा होगा, ये तो खैर स्टैचू टाइप बनाया है इन्होंने, पर बाकी वैसे पता नहीं कितने वर्षों से चले आ रहे हैं ये वाले भगवान जी का ऐसे वाला देश देते गीता का। थोड़ी लाइट लगी हुई है तो रात के लिए तो बहुत अच्छा भी होगा। यहाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण सारथी बने हुए। हमारी वानी की बैटरी डाउन है, इसे ही मंदिर वगैरह में घूमना ज़्यादा मज़ा नहीं दे रहा, इसे चाहिए पैसे खर्च करवाने वाले काम, बस इसे खाने के लिए दिलवाते रहो। प्राचीन मंदिर चंद्रकूप पांडव द्रौपदी कूप, यहाँ पे द्रौपदी जी का एक कूप है बताते हैं, उसमें उन्होंने सिर धोया था अपना, और बाबा खाटू श्याम जी का दरबार भी है यहाँ पर,
मंदिरों में यहाँ अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इस वजह से मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूँ और मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। बाकी आप दर्शन जब आप आओगे देखो कितना पुराना वट वृक्ष है। वट वृक्ष बहुत पुराने पुराने हैं, पता नहीं कितने सौ साल होंगे, हो सकता है हज़ार भी ना हो, कुछ कह नहीं सकते कितने पुराने हैं। ये मेरे बाबा का दरबार है, यहाँ फोटो लेना अंदर से मना, अंदर आप दर्शन कर लेंगे। तो यहाँ द्रौपदी कूप है, रास्ता अंदर से है उसका, जिन्ना है उस मंदिर के अंदर से ही, पर वहाँ जाने की परमिशन नहीं है फोन लेकर, तो बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ। सामने जो मंदिर है बाबा जी का, खाटू श्याम जी का, अंदर से जिन्ना आ रहा है, ये जो है रास्ता है सामने, और ये द्रौपदी कूप है। यहाँ पर द्रौपदी ने अपने बाल धोए थे, पुराने समय का बना हुआ खंडर है। जो है जी ब्रह्म सरोवर की यात्रा पूरी हुई। सब घाट के नाम भी इन्होंने अलग अलग दिए हैं, जैसे आप ही देखिए तो यह है देवकी घाट, यह है रुक्मणी घाट, सभी घाट जितने बने हुए सबके अलग अलग नाम हैं। पूरा एक पत्थर है और इसमें से काट के इन्होंने आकृति बनाई है, अंदर से पूरा का पूरा ऐसी दूर दूर तक आप देखो, सत्यभामा घाट कितना सुंदर गेट बनाया है इन्होंने, बहुत ही सुंदर सुंदर सारी चीज ही सुंदर है यहाँ, और मेहनत है, साफ सफाई है। आपको दिखाता हूँ, हम आए हैं इस तरह से, इस वाले गेट से, और कितना दूर है आप इससे देखो, आप कितना दूर है। और अब हम हर्ष और कपिल गाड़ी लेने गए हैं, वे इस वाले गेट पर आ रहे हैं लेकर, पूरा घुमा के उस तरफ से आ जाएंगे जिससे हमें पूरे में वापस नहीं जाना पड़े। ऐसे बरामदे हैं सारे के सारे, जो कॉलम बने हुए हैं 800 कुछ हैं, ये चारों तरफ घूम के, इसके ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ घूम के हैं। और अब हम चल रहे हैं बाहर दोस्तों, अब हम अपनी कुरुक्षेत्र की यात्रा पूरी करके अब जाने की तैयारी में हैं, और हमारे यादव जी खड़े हैं हमें बाय करने के लिए। थैंक यू भाई साहब जी, चलो बाय, आराम से रहिए। इतना सुंदर दृश्य है, आप देखिए बिल्कुल जैसे आप राजपथ पर घूम रहे हो। देखिए गाड़ी का भोजन हमने दे दिया है, टैंक फुल करवा दिया, भोजन हम कहीं ढूंढेंगे चल के। दोस्तों आज भगवान श्री राम जी के उसके मूर्ति की स्थापना के उपलक्ष्य में जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, पूरे कुरुक्षेत्र में ये लगे पड़े हैं। मुझे लग रहा है जब हम यूपी पहुंचेंगे तो यूपी में क्या होगा, वहां तो योगी जी है, तो हम आपको दिखाते चलेंगे क्या हाल है। कड़ी चावल खा लो दोस्तों, अब हम घर आ गए हैं, कुरुक्षेत्र की यात्रा हमारी बढ़िया पूरी हुई, भगवान जी के आशीर्वाद से ठीक ठाक घर आ गए हैं, कपड़े बदल लिए हैं, खाना खा लिया है, अब सोने की तैयारी करते हैं। अगले ब्लॉग में मिलेंगे, लाइक कर दें हमें, सब्सक्राइब कर दें हमें, कुछ अच्छा लगा हो तो उसे कमेंट में लिख दें, बुरा लगा हो उसे जरूर लिख दें, भले अच्छा कमेंट में ना लिखें, बुरा जरूर लिख दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।